ज्यादा, ये तो मध्य प्रदेश की बात नहीं है, इतनी बात कहना चाहता हूँ कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई और बीजेपी ने सौदे की सरकार बनाई। सौदे की सरकार बनाई और शिवराज सिंह जी ने अपने कार्यकाल में, और खुले रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर दिन में वो 10 झूठ ना बोले उनका खाना हजम नहीं होता, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और आज तो ये स्थिति है कि उनके झूठ पर भी लोग तालियां बजाते हैं कि हिंदी उनमें क्षमता कैसे है कि झूठ बोले। तो ये आए थे, इन्होंने गुमराह और देहात मोड़ने की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमें समझ नहीं, ये कैसे ध्यान मोड़ने की गुमराह की राजनीति करते हैं। मोदी जी 2014 में आपको याद है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, 15 लाख से ज्यादा नहीं, ज्यादा पुरानी बात हो गई, पर 2019 के चुनाव में मोदी जी ने नौजवानों का नाम लिख दिया। मोदी जी ने किसानों को 50% नफा हुआ उसका नाम ले लिया, 15 लाख का नाम ले लिया, क्या नाम लिया, क्या बात करी 2019 के चुनाव में, राष्ट्रवाद पाकिस्तान की, कैसे ध्यान मोड़ा जाए उन मुद्दों से जिनसे हमारा भविष्य जुड़ा है। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, यही राजनीति है जो आज ये असम में इनका प्रयास है। आज तो 5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, असम की जनता को वो हिसाब दे। 5 साल में उन्होंने कहा था इतने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नौजवानों को रोजगार मिला, और अपने देश की तुलना में असम कितना आगे बढ़ा, ये बात मैं बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूँ। 2001 में जब मैं था यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, 2001 में ना तो कांग्रेस की सरकार यहाँ थी ना तो केंद्र में थी, सेंटर में थी। तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में, जिस रफ्तार से, और तरुण गोगोई के समय जब वो मुख्यमंत्री बने, जिस रफ्तार से असम को एक नई दिशा थी, पूरा देश 2004 से लेकर 2014 कैसे आगे बढ़ रहा था, हमारा इन्वेस्टमेंट